हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutorial.com। हमने एक ऐसा सम लेके आए हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, जो कि सम है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3 डिवाइड बाय x-1 x-2 dx। ये सम बेसिकली जब आपसे पूछा गया है कि 2x-3 अपॉन x-1 इंटू x-2 टाइम्स ऑफ dx, ये सम है पार्शियल फ्रैक्शन। इसका क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टाइप का है। तो ये जो टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन का, ये टाइप है हमारे पास नॉन रिपीटेड रूट्स का। नॉन रिपीटेड रूट्स का, ये है नॉन रिपीटेड रूट्स। जब भी आपको नॉन रिपीटेड रूट्स, आप चेक कैसे करेंगे? तो रूट्स देखिए, यहाँ पे x-1 है और यहाँ पे x-2 है। क्या करना है आपको? a ऊपर लिखना है डिवाइड बाई x-1 into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x-2 into dx। आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। टू फाइंड a, a के नीचे जो भी हमने रूट्स लिखे हैं उसको जीरो से इक्वेट करिए। x-1 = 0, सो x = 1। इस 1 के वैल्यू को आपको पुट करना है 2x-3 upon x-2। ये जो a के नीचे होता है उसको छोड़ के बाद बाकी हर जगह पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपको 2 into 1-3 divided by 1-2। ये हो गया -1 upon -1, आंसर हो जाएगा इसका 1। सिमिलरली टू फाइंड b, b के नीचे है हमारे पास x-2, सो x-2 = 0, दिस x = 2। अब आपको फिर से क्या करना है? 2x-3, इस बार x-2 नहीं लिख के x-1 लिखेंगे, क्योंकि b के नीचे है x-2, तो जो b के नीचे रहता है उसको छोड़ के बाद बाकी सारे। तो कितना हो जाएगा ये? 2 into 2-3 divided by 2-1, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1 upon 1, सो ये हो गया हमारे पास 1। इतना काम करने के बाद a और b अब आपको इंटीग्रेशन में लिख देना है। इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास? a, a के जगह पे 1 upon x-1 प्लस b के जगह पे भी 1 upon x-2, और इसका आंसर आ जाएगा आपको log mod x minus 1 upon x का होता है इंटीग्रेशन, log mod x minus 1 प्लस log mod x minus 2, और ये आंसर हो जाएगा log x minus 1 into x minus 2 log a plus log b log a into b। ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच।